दोस्तों, मैंने अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में आपको काफ़ी बड़े बड़े कूलर्स दिखाए हैं, लेकिन आज फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको सबसे छोटा एयर कूलर दिखाने वाला हूं, जो कि कुछ ये है हमारे पास में। और यहां पर सबसे पहले आप इस एयर कूलर की साइज़ देख सकते होंगे, ये सिर्फ इतना बड़ा है और लगभग इसकी जो हाइट है वो 1 से 1.5 फीट के आसपास है और चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं है। ये बहुत ही लाइट वेटेड है, आप इसको डायरेक्टली हाथ से उठा करके कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ईजिली पोर्टेबल है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस एयर कूलर की क्या कुछ स्पेसिफिकेशन, इसकी प्राइस क्या है, ये वाकई में अच्छी हवा देता है या फिर नहीं देता है, इसकी कूलिंग कैसी है और इसका वाटर टैंक आपको कितने लीटर का देखने को मिलता है, ये सारी की सारी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ही कर लेना। सबसे पहले आप इस एयर कूलर को देख सकते होंगे, यहाँ पर ये जो एयर कूलर है वो कुछ टाइप की बॉडी में आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप इस एयर कूलर को देख सकते होंगे, यहाँ पर इसकी बॉडी को देख सकते होंगे। ये जो एयर कूलर है वो हिंदुस्तान कंपनी की तरफ से आता है और यहाँ पर इसकी जो टैंक है वो 15 लीटर की हमें देखने को मिलती है। और वाकई अगर इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और ये एक काफ़ी हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है और ये जल्दी टूटेगा नहीं, ना ही जल्दी ख़राब होगा। यहाँ पर अगर बात करें इसके ग्रिल्स के बारे में तो ग्रिल्स की भी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ग्रिल्स देखने को मिलते हैं जिससे आप इसके एयर सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको एक फ़ैन देखने को मिलता है जो कि 110 वाट का है और यहाँ पर इसके अंदर फ़ैन में आपको जो ब्लेड है वो भी प्लास्टिक की ही देखने को मिलती है। तो इसके अंदर आपको हिंदुस्तान कंपनी की ही जो मोटर है वो देखने को मिलती है। अगर हम इसके बात करें टैंक के बारे में तो यहाँ पर आपको वाटर लेवल इंडिकेटर भी देखने को मिलता है जिससे आप कितना पानी इसमें भर रहे हैं, ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ में अगर हम बात करें इसके इस साइड के बारे में तो इस साइड में आपको इसकी जो ग्रिल है वो देखने को मिलती है जिससे एयर सर्कुलेशन होता है तो फिर हमें ठंडी हवा मिलती है। इसके अंदर हमें हनी पैड देखने को मिलता है जिसकी वजह से आपको ठंडी हवा देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर बात करें हम यहाँ पर इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में तो इस साइड में हमें पूरा हनी पैड दिया गया है, उस साइड में भी हमें पूरा यहाँ पर हनी पैड जो है वो दिया गया है। इसके साथ में अगर हम बात करें इसके पीछे की साइड तो पीछे की साइड में भी हमें जो हनी पैड है वो दिया गया है। इसके वाटर फिलिंग के बारे में बात करें तो आप यहाँ से इसमें जो पानी है वो डायरेक्टली भर सकते हैं, वाटर फिल कर सकते हैं और वाकई यार इसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में कि इसमें फ़ीचर्स क्या कुछ दिए गए हैं। तो सबसे पहले ऊपर की साइड में आपको 3 कंट्रोलर यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला जो कंट्रोलर है वो स्विंग का है जिससे यहाँ पर आप देख सकते होंगे जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये जो हवा है वो लेफ़्ट एंड राइट जो है वो स्विंग होगी। उसके बाद में आपको एक मेन यानी फ़ैन का एक ऑप्शन देखने को मिलता है, फ़ैन के अंदर आपको 3 जो मोड है वो दिए गए हैं। उसके साथ में आपको पंप का भी जो ऑप्शन है वो दिया गया है, आपको डेडिकेटेड पंप यहाँ पर दी गई है और पंप के को ऑन ऑफ करने के लिए भी एक रेगुलेटर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो स्विंग, पंप और यहाँ पर फ़ैन का जो रेगुलेटर है वो ऊपर की साइड में दिया गया है जिससे आप इस फ़ैन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली आप अपने लिविंग रूम में या फिर आप किसी शॉप पर काम करते हैं तो वहाँ पर आप जा करके इस एयर कूलर को डायरेक्टली लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके यार एयर सर्कुलेशन इसका कैसा है और यहाँ पर कितने फीट तक हमें जो एयर है वो ये फ्लो करके दे सकता है और इसकी हवा कैसी, क्योंकि काफ़ी लोगों का कंफ्यूजन होगा कि यार इतना छोटा सा है तो ये हवा देगा भी या फिर नहीं देगा। और लास्ट में बात करेंगे कि इसकी प्राइस क्या है और आप यहाँ पर इसे कैसे खरीद सकते हैं। तो फटाफट से हम यहाँ पर इसको प्लग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसका एयर सर्कुलेशन कैसा है और यहाँ पर कैसी जो हवा है वो हमें मिलती है। अभी हमने इसको प्लग कर दिया है डायरेक्टली और यहाँ पर अभी हम इसके फ़ैन को ऑन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसकी फ़ैन स्पीड कैसी है और यहाँ पर इसमें हमें कैसी जो एयर फ्लो है वो देखने को मिलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको लो मोड पे ऑन करेंगे यानी इसके नंबर 1 पे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे जैसे ही मैंने इसको ऑन किया वाकई यार 1 नंबर पर ही इसकी जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और यहाँ पर हवा की जो सर्कुलेशन आप देख सकते होंगे। उसके बाद में हम इसको सेकेंड मोड पे करने वाले हैं, जैसे हम इसको सेकेंड मोड पे करते हैं इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद में हम जब इसको 3 इसके लास्ट मोड यानी इसके हाई मोड पे करते हैं तो हाई मोड पे इसकी जो स्पीड है वो और भी ज़्यादा हो जाती है और वाकई इसका जो एयर फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर मान के चलें कि आप यहाँ पर 15 से 20 फीट दूरी पर अगर आप हैं तो आपको बहुत अच्छी हवा मिलने वाली है। साथ ही इसके अंदर स्विंग का भी ऑप्शन आपको दिया गया है, पंप का भी ऑप्शन दिया गया है जिससे आपको जो एयर फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडी मिलने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी प्राइस क्या है और यहाँ पर ये आपको कहाँ पे मिलेगा।
तो दोस्तों यहाँ पर इसकी जो प्राइस है वो 4,500 रुपये है, लेकिन यहाँ पर कमला इलेक्ट्रॉनिक पर डिस्काउंट चल रहा है, जिसके बाद में ये जो एयर कूलर है वो डायरेक्टली आपको सिर्फ और सिर्फ 3,500 रुपये की प्राइस पॉइंट पर मिलने वाला है। और अगर आप मेरे थ्रू आते हैं और यहाँ पर आकर के मेरा नाम बताते हैं तो डायरेक्टली आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक छोटा एयर कूलर लेने का प्लान कर रहे हैं, ये एयर कूलर अगर आपको इस बजट में चाहिए, आप इस अगर शेप एंड साइज में चाहिए, तो ये एयर कूलर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। ऑनलाइन काफ़ी सारे हमें सस्ते छोटे छोटे एयर कूलर मिलते हैं, लेकिन वो कोई काम के होते नहीं हैं, उनका ऑलरेडी मैंने वीडियो रिव्यू वगैरह करके दिखाया हुआ है। तो अगर आपको एक अच्छा छोटा एयर कूलर चाहिए तो ये एयर कूलर बेस्ट है, आप यहाँ पर इसको आकर के कमला इलेक्ट्रॉनिक पे परचेस कर सकते हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है इस एयर कूलर के बारे में, हमें ज़रूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों अगर आपको एयर कूलर लेना है या फिर इससे बड़ा एयर कूलर लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, फ्रिज लेना है, टीवी लेना है, कुछ भी लेना है, तो आ करके कमला इलेक्ट्रॉनिक भी परचेस कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इतना उस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना।